असल योजना के अनुसार मैं चाहता था कि वो हमें रसोई घर में ही बंद करे। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना, तो हम सबको एक साथ बंदी बनाकर रख लेता, और वो भी रसोई घर में। किंतु जब उसने हमें भंडार गृह में बंद किया, रसोई घर में नहीं भंडार गृह में चल, तो मुझे अपनी अगली चाल चलनी पड़ी ताकि वो हमें अलग अलग कमरों में बंद करे, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ सुरंग है वहां गुंडप्पा ही पहुंचेगा। अब तो गुंडप्पे और भास्कर के हाथों में ही है हम सबके और महाराज के प्राण बचाना। ऐसा क्या सोचा है तुमने कृष्णदेव राय के बारे में? सभी कार्य मैं ही करूं, तुम कुछ मत करो। मैंने जो करना था कर लिया, तुम्हें ढूंढ के अपना साथी बना लिया। ये तो एकमात्र सही कार्य किया है तुमने। खैर छोड़ो, मेरी योजना तैयार है, मुझे बस तुमसे एक विशेष वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? इस बीमारी का इलाज? आराम। आराम अभी नहीं, इस काम के खत्म हो जाने के बाद मिलेगा। रे आराम तो खुजली से मिल रहा है। मुझे तुमसे आराम नहीं, धमाका चाहिए, और उस धमाके की सामग्री का प्रबंध तुम करोगे। चुनौती दे रहे हो? मिल जाएगा। चुनौती का नाम ना ही लो तो अच्छा है, उदाहरण समक्ष है। तुम तो बस उस विशेष वस्तु का प्रबंध कर दो, फिर देखना महाराज कृष्णदेव राय के साथ साथ उन सबका काम तमाम हो जाएगा जो ये जानते हैं कि रामा का कोई बहरूपिया है। फिर तो तमाम मेरा नहीं आपका नाम होना चाहिए। बिल्कुल, रामा कहता था कि मात्र मेरी सूरत उससे मिलती है, बुद्धि नहीं। अब उसे ज्ञात होगा कि बुद्धि क्या होती है, जब उसे उसके ही घर से पकड़ा जाएगा और कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बात मान गुंडप्पे, देख तू आराम से घुटनों के बल चलते चलते सुरंग से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही मंत्रीवर को साथ लेकर आना। नहीं हो पाएगा, लगता है अंधेरी सुरंग देख के चाचू की आंखों के समक्ष भय का अंधेरा छा गया है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा गुंडप्पा, हो पाएगा। आवश्यक नहीं है कि सुरंग में सांप हो। अरे ओ शारदा महोदया, तुम क्यों भयभीत कर रही हो गुंडप्पे को? नहीं नहीं, हम तो बस प्रोत्साहित कर रहे थे। ये नहीं हो पाएगा। अरे क्या नहीं हो पाएगा? अले इतने गोल मतुल तिमालो से जी, इतने दुबली पतली सुरंग में नहीं आ पाएंगे। लामा तेरी योजना तो यही विफल हो गयी। गुंडप्पे गुंडप्पे, सुरंग से मात्र बाहर जाना है, पुनः भीतर नहीं आना है, पुनः द्वार से आना है, द्वार से। अच्छा हाँ, तो थोड़ा साहस कर और निकल पड़ मुक्ति के मार्ग पर, आराम से निकल जाएगा। बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस सुरंग में। और वैसे भी अब तुझे कैसा भय? तू तो और भी बड़ा हो गया है ना, पुलुष हो गया है, पुलुष इस घर का। अरे ऐसे छोटे मोटे कार्य तो तुझ जैसे पुलुष के लिए बाएं हाथ का कार्य है, बाएं हाथ का। अधिक मत चढ़ाओ बापू, अन्यथा ये नीचे सुरंग से नहीं ऊपर उड़ के जाएंगे। तू सत्य कहलाए लामा, मुझे सुरंग से दाना और बाहर जाकर किसी पर भी विश्वास मत करना। सीधा मंत्रीवर से मिलना, उन्हें सारी बात बताना और उन्हें यहाँ लेकर आना, समझा? हाँ लामा। मैं दाने के लिए तैयार हूँ लामा। बहुत अच्छे। गुंडप्पे,
भास्कर को भी साथ लेकर जा। अरे वो भूखा प्यासा अकेला कैसे रहेगा रसोई में? तू टलेगा ना मेरे साथ? भयभीत तो नहीं होगा? भयभीत स्वयं हो रहे हो और पूछ मत से रहे हो। दादा भतीजा तुल देंगे तमत्या को। चल हे देवी माँ, रक्षा करना इनकी और सही मार्ग प्रदर्शित करना, ताकि प्रातः उस सुदामा के लौटने से पूर्व गुंडप्पा मंत्रीवर को लेकर लौट आए। रक्षा करना माँ, रक्षा करना। पट्टी निकाल। मनी, चाहे कुछ भी हो, हम आज उस अन्नाचार्य की सत्यता तो गुरुजी को बता के ही रहेंगे। अन्यथा सोच, अगर वो अन्ना अपने षड्यंत्र में सफल हो गया तो हमारे गुरुजी की पत्नी अन्ना को मिल गई तो हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। हाँ सत्य कहा धनी, हमें सब गुरुजी को बताना होगा। एक काम करते हैं, झरोखे पे चढ़कर हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम सब कुछ गुरुजी को बता देंगे। जल्दी कर धनी। हाँ। मैं तो जमीन में गिर जाऊंगा। अरे अरे ये समझ में नहीं आया, ये द्वार अपने आप कैसे खुल गया? धनी, हम पहली बार कुछ नेक कार्य करने जा रहे हैं ना, इसलिए ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। सहायता कर। चल हाँ चल चल आ जा। ऐसा करेंगे, समय व्यतीत नहीं करेंगे, गुरुजी को शीघ्रता से सब कुछ बता देंगे। हाँ, जल्दी बता देंगे। क्या बता दोगे? यही ना, ये हमारे अन्ना बड़े दयालु हैं। नहीं गुरुजी नहीं, वो दयालु नहीं है, वो बहुत बड़े चालू हैं। आप उनकी चाल समझ नहीं पा रहे गुरुजी। चुप। सावधान, यदि एक शब्द भी हमारे अन्ना के विरुद्ध बोला तो। उचित है गुरुजी, उचित है। हम अन्ना के विरुद्ध नहीं, हम आपके विरुद्ध बोलते हैं। यही कि आपकी बुद्धि पर जंग लग गया है। आपकी बुद्धि पर दीमक लग गई है। आपकी बुद्धि पर ताला लगा है। ताला ताला तुम लोग लगाओ अपनी जीवा पर। कुछ भी बोले जा रहे, अन्यथा पुनः ये पट्टी बांध कर कक्ष में बंद कर देंगे तुम दोनों को। कर दीजिए गुरुजी, पुनः कक्ष में बंद कर दीजिए। वैसे भी आपको समझाने से भला क्या लाभ, आपके मस्तिष्क में तो वो भरा है। क्या भरा है? भूसा। त्रुटि की हमने तुम दोनों को बाहर निकाल कर। अर्थात आपने द्वार खोल के हमें बाहर निकाला, आपने? हाँ। नहीं कोई बात नहीं गुरुजी, आपने हम पर दया दिखाई, हम भी आप पर दया दिखाएंगे और आपकी पदवी छीनने से हम बचाएंगे, आपके प्यारे शिष्य बचाएंगे। गुरुजी, कौन छीनना चाहता है हमसे हमारी पदवी? आपके बड़े भाई अन्नाचार्य। अन्नाचार्य? अन्ना नहीं, ये संभव नहीं है। संभव है गुरुजी, संभव है। हमने स्वयं अपने मुख से सुना है। कानों से सुना है? अन्ना के मुख से सुना है गुरुजी, अन्नाचार्य के मुख से आपकी सौगंध। अन्ना, लामा होता तो क्या करता?
गुरुवर, वायु का प्रवाह दक्षिण दिशा से आया है, इसलिए बाहर जाने का मार्ग और द्वार अवश्य वहीं होगा। लामा ने अंतिम समय में मृत्यु लाकर देखा था। मिट्टी वहां ओली है, अर्थात वही से भाल निकलने का माल। चलो, मिल गया भाल निकलने का माल। ये बाहर निकलने का नहीं, अंधेरे में भटकने का मार्ग है। हवा पीछे से आ रही थी, अर्थात पीछे जाना है, आगे नहीं। करना होगा। क्या हुआ? यहाँ से लौटने वाले, यानी भाल का माल यहीं से। देख लिया, आया ना सही स्थान पर। अब शीघ्रता से मामतली जी को ढूंढना है। मामतली जी गुंडप्पा, भास्कर को लेकर इतने सवेरे सवेरे? महाराज की जान संकट में, लामा बंदाल कक्ष में बंद है। क्या गुंडप्पा, उचित प्रकार से बताओ कि हुआ क्या है। मुन्ना, तुम मेरी बात सुनो। नहीं अन्ना, पूर्व आप हमारी बात सुनेंगे। आप जैसा भाई गाली दे सकता है, क्रोध कर सकता है, पिटाई कर सकता है, पैर दबवा सकता है, परंतु क्या इतना नीचे भी गिर सकता है? आस्तीन का सांप भी बन सकता है, मीठी छुरी बन सकता है, एक गिरा हुआ विश्वासघाती कुटिल कपटी भाई बन सकता है। नहीं अन्ना, हमारे अन्ना ऐसा नहीं कर सकते। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है और इन गधों पर भी। निश्चित ही कुछ और हुआ होगा, ये कुछ और समझता है, मूर्ख। तो क्यों निकाला उस कारागार से? डाल दो उस गंदी काल कोठरी में। वही डालेंगे अन्ना, पुनः वही डालेंगे, परंतु हवन समाप्त होने के पश्चात। इनका कुछ प्रयोग तो करने ही है, अन्यथा सभी कार्य हमें स्वयं करने पड़ेंगे। उचित है। आगे से कुछ अनर्गल बोलने या सोचने के पूर्व सोच लेना, अन्यथा अपने समक्ष मुन्नाचार्य और उनके ज्येष्ठ भ्राता अन्नाचार्य को एक स्तंभ की भांति एक साथ खड़ा पाओगे। अवना, ये
बनी प्रतीत होता है ये दोनों खड़े स्तंभ शीघ्र ही गिरने वाले हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर। शीघ्र चलो इससे पहले कि पंडित रामकृष्ण का बहुरूपिया पुनः घर लौट आए। वो देखो जिस दुष्ट का नाम ले रहे हो वो समाक्षी है। क्या तुमने दोनों को देखा? हाँ। दोनों एक समान दिखते हैं? हाँ हाँ एकदम समान दिखते हैं दोनों, स्वयं ही देख लो अधिक दूर नहीं है। आश्चर्य है पंडित रामकृष्ण का बहुरूपिया भी है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। सामने देखो विश्वास हो जाएगा। हाँ? पंडित रामकृष्ण? नहीं सुदामा। आपके साथ बच्चे कौन थे? बच्चे? कौन से बच्चे? कैसे बच्चे? हमारे साथ तो कोई बच्चे नहीं है। पंडित रामकृष्ण कहीं आप हमारे मोटे आकार का उपहास तो नहीं उड़ा रहे? अरे नहीं नहीं मंत्रीवर, परंतु वो। परंतु क्या पंडित रामकृष्ण, वह महाराज का जीवन संकट में है। आप उस दौलत खान को ढूंढने का उपाय बताने की बजाय आप यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं पंडित रामकृष्ण? आपको हो क्या गया है पंडित रामकृष्ण, आप इतने परिवर्तित कैसे हो सकते हैं? अरे कहाँ मंत्रीवर, मैं कैसे परिवर्तित होऊंगा? मैं भी छानबीन ही कर रहा हूँ। वैसे ये दौलत खान कौन है? कहीं ये वही तो नहीं जिसने महाराज पर प्रहार किया था और ज्ञात हुआ कि यही कि दौलत खान के साथ एक पंडित भी है जो कद काठी और पापी के हुलिया का है। ये भी ज्ञात हो गया? हाँ और भी बहुत कुछ ज्ञात हुआ है, बस उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए उचित गतिविधियों के लिए पंडित रामकृष्ण। क्या करने वाले हैं? यह हम आपको नहीं बता सकते पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? देखिए अभी हम दरबार की सेवा में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी पर संदेह करें। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि दौलत खान का साथ कौन दे रहा है हम सभी को सावधान रहना होगा। वैसे पंडित रामकृष्ण आपकी इस पोटली में क्या है? आप सत्य में मुझ पर संदेह कर रहे हैं? हम केवल और केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं पंडित रामकृष्ण, बताइए इस पोटली में क्या है? हवन के लिए सामग्री है मंत्रीवर, देखिए, देखना चाहते ना आप स्वयं देखिए। अरे हम तो उपवास कर रहे थे पंडित रामकृष्ण, ऐसा कभी हो सकता है कि हम आप पर संदेह करें? आप जाइए, प्रणाम। बाल बाल बचा, नहीं तो भी पकड़ा जाता। यदि ये समाप्त करने वाली सामग्री महामंत्री देख लेता तो सारी योजना चौपट हो जाती। अब कोई और ही मार्ग निकालना होगा इसे हवन कुंड तक पहुंचाने का। हाँ तथाचार्य और अन्नाचार्य से उत्तम ये कार्य और कौन कर सकता है? हाँ और ये भी पता लगाना होगा कि महामंत्री दौलत खान के विषय में कैसे जानता है, लगाना ही होगा। हमें कुछ संकट का आभास तो हो रहा था पंडित रामकृष्ण, परंतु हमें यह नहीं पता था कि यहां पर दो दो पंडित रामकृष्ण होंगे, एक असली और एक नकली। परंतु संदेह हमें अवश्य था। कैसा संदेह? यही कि आप अर्थात नकली पंडित रामकृष्ण कुछ पृथक सा क्यों लग रहा है? वो अधिक समय राजमहल में क्यों व्यतीत करता है? एक दिवस छोड़कर प्रतिदिन वो उचित समय पर राज दरबार में कैसे पहुंच जाता है? और तो और गुरुवर से कोई विशेष झड़प भी नहीं? आप मेरी निंदा कर रहे हैं? नहीं पंडित रामकृष्ण, हम आपकी निंदा कैसे कर सकते हैं, हम आपको केवल और केवल वास्तविकता बता रहे हैं। और ये सब हो रहा है अन्नाचार्य के आने के पश्चात से। अन्नाचार्य? कौन अन्नाचार्य? कोतवाल ने हमें बताया कि वो गुरुवर के बड़े भ्राता हैं। और ये सब अन्नाचार्य के आने के साथ ही आरंभ हुआ है।
ये अन्नाचार्य और सुदामा की गुत्थी मुझे जल्द से जल्द सुलझानी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।